हेलो, देखिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी करना इसको जरूर, ठीक है, और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन है इसको तो मैं अपन इस पर अपन बाद में आएंगे, है ना। सबसे पहले अपन आते हैं कि 3 फेज़ 4 वायर क्या होता है, ठीक है। ये देखो, एक है स्टार कनेक्शन, है ना। इसमें ये फर्स्ट फेज, ये सेकेंड फेज और 3 फेज जिसके अक्रॉस अपन सप्लाई लेते हैं, तो 3 वायर हो गए। एक फेज, तीन तो फेज के और एक वायर एक्स्ट्रा होता है न्यूट्रल का, ठीक है। ये होता है 3 फेज़ 4 वायर। अब सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक सोर्स है और दूसरा लोड है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम, ठीक है। अब एक बात सुनो कि सोर्स तो हमेशा बैलेंस होता है, लेकिन जो लोड साइड होती है वो हर कंडीशन में बैलेंस नहीं होती। जब कंडीशन बैलेंस होगी ना, तो जो ये I1 करंट है और ये I2 करंट है और ये I3 करंट है, इनका जो फेजर सम हो ना उस इस न्यूट्रल पॉइंट पे, है ना, जहाँ ये आके मिल रहे हैं वहाँ 0 होगा। लेकिन लोड जो है ना, ज़्यादातर कंडीशन में प्रैक्टिकली है ना, आप इम्बेलेंस ही मानो, तो यहाँ पे फेजर सम ऑफ I1, I2 और I3 है ना नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। 0 से 0 के इक्वल नहीं होता, तो उस करंट का क्या होता है, वो क्या करता है, इस न्यूट्रल वायर के थ्रू क्या करता है, इधर फ्लो कर जाता है इस सोर्स के न्यूट्रल पे। अब आप देखोगे कि, अब आप सोचोगे, एक बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से यहीं क्यों फ्लो करेगा। देखो, मैंने बोला ना, सोर्स तो हमेशा बैलेंस ही रखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस रखते हैं, तो यहाँ पे I1, I2 और I3 का सम क्या कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट है ना, ये लो पोटेंशियल पे है, लेकिन यहाँ पे जो सम है वो 0 नहीं हो रहा, तो ये कितना है, हाई पोटेंशियल पे है। तो करंट किधर बताया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो वापस से ये क्या करता है, जो भी अनबैलेंस करंट है वो वापस से सोर्स में चला जाता है, ठीक है। अब देखो, जो लोड लगता है ना, हमेशा एक बात देखना, जो लोड लगता है ना, मैं यही बता देता हूँ, वो फेस और न्यूट्रल के बीच में लगता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि इसका जो मेन काम होता है ना, वो 400 वोल्ट को, ये 400 वोल्ट को ये 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, ठीक है ना। 400 वोल्ट है और 230 वोल्ट पे ये सप्लाई दे रहा है, ठीक है, मतलब स्टेप डाउन करता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अगर ये न्यूट्रल वायर ब्रेक कर जाए, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है ना, तो उस इस पे आते हैं अपन। देखो, व्हाट हैपन व्हेन न्यूट्रल वायर इज डिसकनेक्टेड। मैं देखो इसको वापस से बनाता हूँ, है ना। मैंने वापस से बनाया आर, वाई और बी, तीन फेज बनाए और एक बना दिया न्यूट्रल का वायर, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या जो लोड लगता है वो हमेशा एक फेस और एक न्यूट्रल के अक्रॉस लगता है, ठीक है। ये देखो, ये एक, फिर जो दूसरा लोड लगा वो इस फेस, वाई फेस और इस न्यूट्रल के अलोंग लगा, ठीक है। अब एक बार मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 और 50 कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये न्यूट्रल वायर ब्रेक कर गया ना, तो अब यहाँ पर देखो, मैंने ना इसका पहले इक्विवेलेंट बना दिया, ठीक है। अभी अपना बी काम में नहीं आता था, तो आर फेस बना दिया, ठीक है। आर फेस और न्यूट्रल के बीच में लग रखा था, ठीक है, और ये वाई फेस और न्यूट्रल के बीच में एक लोड लग रखा था, और न्यूट्रल अभी डिस्कनेक्ट नहीं है। जब डिस्कनेक्ट होना तब क्या देखेंगे, मैंने बोला ना, जो सप्लाई है वो अपनी 400 की आ रही है, ठीक है, और इनके अलॉन्ग कितना बढ़ता है, 230 और 230, ठीक है। अब जैसे कि न्यूट्रल ब्रेक कर गया, जैसे ही न्यूट्रल ब्रेक कराना, करंट के पास और कोई पाथ नहीं हुआ। देखो, करंट के पास पहले यहाँ पे दो पाथ बन रहे थे, यहाँ से इधर भी बटेगा और इधर भी बटेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये जो न्यूट्रल है वो ब्रेक कर गया, ठीक है, तो करंट के पास एक सिंगल पाथ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ आएगा और इधर आएगा। और अपन को पता है करंट किस में सेम होता है, सीरीज में। तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रल के ब्रेक होने पे ये दोनों लोड किस में लग गए, सीरीज में, सीरीज में लग गए। जो तो वोल्टेज बट रहा था 230 और 230 यहाँ पे, वो हट गया और पूरा का पूरा जो सोर्स वोल्टेज था 400 वोल्ट, वो इनके अक्रॉस आ गया, ठीक है। अब 400 वोल्ट इनके अक्रॉस आ गया, तो अपन इस सर्किट में, कनेक्शन में करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या होगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और वी अब कितना हो गया 400, और आर कितना हो गया सीरीज में, तो इनका सम कर लो, ठीक है, 2.67 यहाँ पे करंट आ गया। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 निकालो, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 निकालो, I R1 और I R2, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा। अब ये देखो, मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाला IR1 करके, I अपन ने निकाल ही दिया, R1 अपन को पता ही है, तो 267 वोल्ट आया, और ऐसे ही V2 निकाल लिया, 133 वोल्ट आया। अब हुआ क्या, ये देखो कि एक के अक्रॉस तो 267 वोल्टेज डेवलप हो गया, और एक के अक्रॉस 133 वोल्टेज डेवलप हुआ। तो कहने का मतलब है, और ये जो ज़्यादा वोल्टेज हुआ 267, वो किसके अक्रॉस हुआ, जिसका देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा था, है ना। तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करने के कारण क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है ना, ये बर्न होकर जाएगा, ठीक है, और जो कम रेजिस्टेंस वाला होगा ना, वो बाद में बंद करेगा, है ना, या फिर नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रेटिंग का वोल्टेज है उससे तो अभी भी वोल्टेज कम है। ये देखो, इसकी रेटिंग का वोल्ट, जो R1 था उसकी रेटिंग कितनी थी, 230 वोल्ट की ली थी, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना डेवलप हो गया, 267, तो वो बंद कर जाएगा।
लेकिन सेकंड वाले की जो रेटिंग थी वो 230 वोल्ट थी, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना डेवलप हुआ 133, तो ये बन नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाई रेजिस्टिव लोड इज इंक्रीज, हाई रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया एंड लो रेजिस्टिव लोड इज डिक्रीज, द वोल्टेज अक्रॉस हाई रेजिस्टिव लोड में एक्सीड देन द डिज़ाइन, जो हाई वोल्टेज जो वोल्टेज डेवलप हुआ हाई अक्रॉस हाई रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस वो उसकी डिज़ाइन करी हुई वैल्यू से एक्सीड कर गया, तो वो क्या करेगा उसको डैमेज कर देगा, है ना। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन में, देखो एसएससी जेईई में इसी कंसेप्ट पे पूछा गया था, मैं आपको अब क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप देखना। आप ये देखा है थ्री फेज 400 वोल्ट फोर वायर सिस्टम, जैसे कि अपन ने बता लिया थ्री फेज और फोर वायर सिस्टम बना लिया था, उसके अक्रॉस 400 वोल्ट की सप्लाई भी लगा दी थी। टू लैंप्स, वन की रेटिंग है 230 वोल्ट 100 वोल्ट स्पेसिफिकेशन एंड अदर 230 वोल्ट और 200 वाट की कनेक्टेड बिटवीन आर फेस एंड न्यूट्रल, जो मैंने बताया ना फेस और न्यूट्रल के बीच में लगे हुए, ठीक है, पहला वाला आर फेस और न्यूट्रल के बीच में और वाई फेस और न्यूट्रल के बीच में। अब ये बोल रहा है इफ द न्यूट्रल वायर ब्रेक, न्यूट्रल वायर ब्रेक होगा तो अपन को क्या पता क्या बताना है कि क्या होगा। ये देखो ये भाई यहाँ पे लिख रखे हैं 100 वोल्ट लैंप विल फ्यूज फर्स्ट या 200 वोल्ट लैंप विल फ्यूज फर्स्ट, ये तीनों ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो फिर अपन ने इसको भी क्वेश्चन को कर लिया सिंपल से, यहाँ पे सर्किट बना लिया, अपन को पता जैसे न्यूट्रल ब्रेक करा ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, तो मैंने पावर लिख दी 100 वोल्ट 100 वाट और 230 वोल्ट की, 230 वोल्ट दोनों के क्रॉस आ रहा था और एक की पावर 200 वोल्ट, तो मैंने R1 निकाल लिया 529 आ गया और R2 निकाल लिया 264.5 आ गया। तो जैसे कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जिसकी वोल्टेज रेट जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो सबसे पहले बंद कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा आ रहा है 529 का, तो इसके ऑप्शन में अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये दे रखा है 100 वोल्ट लैंप विल फ्यूज फर्स्ट, ठीक है, ये जो 100 वोल्ट का लैंप होगा वो क्या करेगा पहले फ्यूज कर जाएगा। थैंक यू।